नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। लंबे समय तक रांची के ग्रामीण एसपी के पद पर पदस्थापित रहे नौशाद आलम, जो कि फिलहाल साहिबगंज एसपी हैं, आज उन्हें ईडी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाई है। हम इस वक्त सीधी तस्वीर आपको ईडी ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरे संबंध पर एसपी नौशाद आलम ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे ही वो ईडी ऑफिस पहुंचे हुए थे। हालांकि पहला समन उन्हें 22 नवंबर को किया गया था, जहां वो ईडी को पत्र लिखकर समय मांगे थे, और आज दूसरे समन पर यानी कि 28 नवंबर को वो ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर झारखंड के कई आईएएस से ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पहले आईपीएस नौशाद आलम हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। और आपको बता दूं कि ईडी के गवाहों को प्रभावित करने का आरोप जो है वो एसपी नौशाद आलम पर लगा है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले को लेकर के ईडी जो है वो साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ कर रही है। और इसी पूछताछ की फेयर लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, और ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि साहिबगंज एसपी जो है वो ईडी के कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं और कब वो ईडी ऑफिस निकलेंगे, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी से ईडी जब पूछताछ करने के लिए उन्हें सुबह का समय दी थी, और ऐसे में जो समय की अगर हम बात करेंगे वो सुबह से शाम हो गया था, यानी कि 10-12 घंटे तक ईडी लगातार अधिकारियों से पूछताछ कर रही थी। और इसी पूछताछ का हिस्सा आज एसपी नौशाद आलम बने हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले को लेकर के पूछताछ करने के लिए ईडी ऑफिस उन्हें आना पड़ा है। और आपको बता दूं कि 1,000 करोड़ का अवैध खनन का घोटाला का आरोप जो है वो लगा है। ईडी के कई ऐसे गवाह हैं जिसे प्रभावित किया गया है, ये आरोप जो है वो एसपी नौशाद आलम पर लगे हुए हैं। और आज इसी सवालों का जवाब देने के लिए नौशाद आलम जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं कि ईडी जो है वो झारखंड में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर के कई ऐसे आईएएस अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है, और पहले आईपीएस होंगे नौशाद आलम जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की दबिश जो है वो लगातार जारी है। कई लोगों से ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है, और इसी लैंडस्केप मामले की अगर हम बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने समन भेजा है। 5 समन मुख्यमंत्री को भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नहीं पहुंचे हैं। और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर झारखंड में राजनीति भी तेज है। लगातार अगर हम बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की, तो वो भी ट्वीट कर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के सवालों का जवाब देने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये डर है कि अगर वो ईडी ऑफिस पहुँचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, और इस तरीके से वो कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कभी हाई कोर्ट जाते हैं। बहरहाल हम इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आज एसपी नौशाद आलम जो है वो ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। ईडी उनसे पूछताछ करेगी कि क्या उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया है, क्या विजय हांसदा जो कि एक व्यक्ति हैं क्या उन्हें डराने की कोशिश की गई है, और ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एसपी नौशाद आलम को देना होगा। बहरहाल इस वक्त तस्वीर देखिए, सुबह 10 बजे ही नौशाद आलम पहुंच चुके हैं, ससमय वो पहुंचे हुए थे, और अब इंतज़ार करना होगा कि ईडी कितने घंटे उनसे पूछताछ करती है, और क्या ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट हो पाती है, या फिर उन्हें एक दूसरा समन दिया जाता है। बहरहाल झारखंड में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर के ईडी की दबिश जारी है। कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है, कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, और अब पहले आईपीएस होंगे जो ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।